period. एविडेंस से जो रिकॉर्ड हुआ करती थी वो मुख्तलिफ थी. मुगल कोर्ट्स यूजुअली यूज्ड फतावाए आलमगीरी और वहाँ हिंदुस्तान में बहुत से राजवाड़े भी थे. वहाँ पे जो हिंदू राजवाड़े थे वहाँ पे हिंदू शास्त्र जो है उसके तहत अदालतें चला करती थी. अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि एविडेंस के हवाले से हर तरह के लोगों को कैटर कर सके. चुनांचे एक कॉन्सोलिडेटेड लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो उन्होंने बनाया जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं. इट वॉज ड्राफ्टेड बाय सर जे एफ स्टीफन जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन सर स्टीफन एक जूरिस्ट थे और सिर्फ 2 साल इंडिया में रहे हैं और इस 2 साल के अरसे में उन्होंने बहुत से कानून ड्राफ्ट किए या उनमें मदद की. इंडियन एविडेंस एक्ट सिंगल हैंडेडली ड्राफ्ट किया. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारा जो है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है और भी बहुत से लॉज हैं जिनमें उनका कंट्रीब्यूशन है. 1947 में पाकिस्तान ने जहाँ बहुत से और लॉज अडॉप्ट किए तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी अडॉप्ट किया और ये पाकिस्तान में एविडेंस एक्ट के नाम से इस्तेमाल हुआ है. 1984 में जबकि मुल्क में जनरल जवाहरलाल साहब की हुकूमत थी तो ये महसूस किया गया कि जो इस्लामिक प्रोविजन हैं कुछ वो इसमें ज़रूर होने चाहिए और फिर जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको उसमें कुछ रद्दबदल किए गए, उसके ऑर्डर को चेंज किया गया और उसमें कुछ प्रोविजन्स शामिल किए गए और उसे कानून शहादत के तौर से प्रोमुलगेट किया जो इस वक्त हमारे पास राइज है. इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस लॉ बट सर्टेन न्यू प्रोविजन वर एडिड एंड सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वर रिमूव जबकि ऑर्डर में भी चेंजिंग की. ये सर जेम्स स्टीफन ये वो फर्ज है जिसने कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि हमारा फाउंडेशन लॉ है इस वक्त कानून शहादत का उसको ड्राफ्ट किया और जस्टिस तंजीलुर रहमान ने जो मौजूदा कानून शहादत है ये इन्होंने रीडिज़ाइन रीड्राफ्ट जो भी कहें आप ये किया है. कॉन्सेप्ट क्या है एविडेंस का? कॉन्सेप्ट से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ. कोई बता सकता है प्रूफ और एविडेंस? इसमें क्या फर्क है कोई बता सकता है? एनीवन? प्रूफ और एविडेंस एक ही चीज है, ऑलमोस्ट एक चीज है, तब किराया यही बन रही है. इज इट सो? बोले जरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जी.
they are more or less same. It is not so. Proof is the destination. Proof जो है ये वो मंजिल है जहां तक evidence की गाड़ी से पहुंचना होता है. Evidence एक tool है जो use किया जाता है proof तक पहुंचने के लिए. Proof जब आ गया तो फिर तो case साबित हो गया. तो evidence और proof में ये फर्क है. अभी आपके इसमें जो है कुछ slides हैं, इसके बाद जो मॉडल क्वेश्चन जो हो सकते हैं 40-50 क्वेश्चन वो भी इसमें मौजूद हैं. मैं साथ साथ से कहूंगा कि ये स्लाइड अगर आप सबसे शेयर करें, क्योंकि मेरी स्लाइड जो है इसमें कोई कॉपी राइट नहीं, तो ये आपसे शेयर करें चाहे तो अपनी वेबसाइट के जरिए से जैसे भी. तो एविडेंस जो है ये एक टूल है टू डिटरमाइन एंड डिस्कवर द ट्रुथ. सच को, हकीकत को पहचानने का, हकीकत तक पहुंचने का एक टूल है, एक जरिया है एविडेंस, जिसके जरिए से हम सही और गलत की तमीज करते हुए जो हक है, जो सच है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. इसमें क्या क्या चीजें हैं? टेस्टिमनी ऑफ विटनेस, जो विटनेस कोर्ट में आके जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा कह के जो बयान देता है वो एविडेंस है. इसके अलावा हर वो चीज, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, पिस्टल, गोली, जो कुछ भी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी, मनुष्यात, ये सब एविडेंस है. जो अल्फाज पे बयान किया गया वो भी एविडेंस है, और जो चीजें कोर्ट में पेश की गई वो भी एविडेंस है. और एविडेंस के लिए बुनियादी चीज है कि जो चीज कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सकती है वो होनी चाहिए जो कि जज अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सके, जज सुन सके, देख सके, जरूरत पड़े तो सूंघ सके, चखना चाहे तो चख भी सके. ये हर वो चीज जो जिसमें ये सलाहियत मौजूद हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जो कि जज परसीव कर सके अपने सेंसेस के जरिए से, वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सकती है. अब फाउंडेशन क्या है एविडेंस लॉ का? ये इट मस्ट बी कंफाइंड टू द मैटर इन इश्यू. जो मुद्दा है, जो कोर्ट के अंदर जो चीज जिसके ऊपर गौर करना है, जिसके ऊपर जजमेंट देना है, उससे कोई ना कोई उसका बराह रास्त या दिलवास का ताल्लुक होना चाहिए. और हेयर से एविडेंस जो है सुनी सुनाई बात, ये कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती, इल्ला ये के कानून ने इसकी इजाजत दी. एक्सेप्ट दोज विच आर अलाउड बाय द लॉ, अदरवाइज हेयरसे एविडेंस इज नॉट रिलायबल. ये न पेश की जानी चाहिए, ये एडमिसिबल नहीं है, जज इसे रोक सकता है, और अगर पेश हो जाए तो जज इसे डिस्कार्ड कर सकता है. तीसरा एक बुनियादी असूल यह है कि बेस्ट एविडेंस ही कोर्ट में प्रोड्यूस की जानी चाहिए. अगर किसी पार्टी के पास बेस्ट एविडेंस मौजूद है और वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता करता, तो वो जो है वो उसके खिलाफ जाएगी. बेस्ट एविडेंस, जो सबसे बेहतर एविडेंस है, जो सबसे सही एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, बेस्ट एविडेंस है, एडमिटेड डॉक्यूमेंट, बेस्ट एविडेंस, ये सबसे बुनियादी चीज ये है कि बेस्ट एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए. ये फाउंडेशन है एविडेंस लॉ के वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर. हमारे पास इसमें कुछ इस्लामिक प्रोविजन भी शामिल किए गए हैं. उनमें कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस आर्टिकल 3 कहता है कि कानून में
कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। बराह रास्त लफ्ज़ तज़कियतु शहूद बार में शहादत में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आर्टिकल 3 के जरिए से ये बात है कि तज़किये की बात भी होनी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 3 ने प्रोविजन लगा दिया है कि अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो विटनेस है वो नहीं मिले तो जो मिल जाए उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। कॉम्पिटेंसी में नंबर एंड जेंडर ऑफ विटनेस ये आर्टिकल 17 में, एक कॉम्पिटेंसी में एक चीज ध्यान में रखें कि आर्टिकल 3 के तहत हर फर्द कॉम्पिटेंट है गवाही देने का, तावा इल्ला ये कि उसको कानून ने रोक दिया हो, मतलब दीवाना है ना समझ बच्चा है जिस वो उसके अलावा। और फिर एक और कंडीशन लगाई है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक गवाह नहीं मिलता नेक मुत्तकी परहेजगार गवाह नहीं मिलता तो जो मिल जाए उसे भी लिया जा सकता है। एकम्प्लिस की एविडेंस, ये इस्लामिक प्रोविजन है, एकम्प्लिस की एविडेंस ये पहले एक्सेप्टेबल थी, अब इन्हें कहा कि जी ये हदूद की लॉज में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सिर्फ फैनिशियल कोर्ट का भी फैसला आया इसके ऊपर। आर्टिकल 71 में शहादा अलल शहादा ये एक कॉन्सेप्ट जो कहीं पर नहीं था ये इसके अंदर शामिल किया गया है लास्ट प्रोविजन के जरिए से। यानी ये कि अगर शाहिद बराह रास्त नहीं मिल रहा है तो शाहिद ने किसी और से कोई बात की हो तो उसको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। वो शाहिद शायद जिसके पेश करना था उसका इंतकाल हो गया लेकिन उसने ये बात कही है किसी और से तो उसे भी पेश किया जा सकता है। और 163 आर्टिकल एक यूनिक आर्टिकल इसमें इंक्लूड किया गया है जो कहता है कि इन सर्टेन केसेस ओथ के ऊपर भी केस का फैसला हो सकता है। ध्यान में रखिएगा ये स्पेशल ओथ नहीं है, स्पेशल ओथ जो कोर्टों में इस्तेमाल होता है वो ओथ एक्ट के तहत है। ये जो है ये एक मुख्तलिफ किस्म का ओथ है जिसे फिक्ह में शरिया में कसामा कहा गया। अगर किसी फर्द का कोई हक है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है तो अदालत में जाके कहेगा कि मैं कसामा पेश करता हूँ, मैं हलफ पर यह बात कहूंगा कि मेरा यह हक है। और फिर दूसरी पार्टी को यह बात कही जाएगी कि वो उसको हलफ पर डिस्कार्ड करे, उसी नौयत के हलफ पर उसे डिस्कार्ड करे। अगर वो डिस्कार्ड करने से इनकार कर दे तो उसके खिलाफ डिक्री दे दी जाएगी, अगर डिस्कार्ड कर दे तो सूट खारिज कर दिया जाएगी। ये है 163। अब एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस में क्या क्या चीज़ें हैं कोर्ट में या एडमिसिबल, उसमें मैंने सामने आर्टिकल लिख दिए हैं, वो आर्टिकल जो इससे डील करते हैं। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी विटनेस कॉम्पिटेंट हो, ऐसा ना हो जैसे कानून ने रोक दिया है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्लाइड मैंने साथ साथ कह दिया है, आप लोगों को मिल जाएंगे। शेयर कर दिया ठीक। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए विटनेस को, उसे एक्सक्लूड ना किया गया हो, ना समझ बच्चा नहीं हो, माफूक अकल ना हो। रिलेवेंट हो, जो इशू है जो मुद्दा है जिसके ऊपर फैसला होना है उससे उसका ताल्लुक बनता हो। और मटेरियल हो, मटेरियल क्या, इट शुड बी पॉजिटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस क्या होती है, विटनेस ने कहा कि मुझे ये बात मालूम है कि एक एग्रीमेंट हुआ था, ये कौन सी एविडेंस हुई,
मुझे मालूम है पॉजिटिव एविडेंस, विटनेस से कहा मुझे मालूम है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये कौन सी एविडेंस हुई? ये भी पॉजिटिव एविडेंस है। विटनेस ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, ये नेगेटिव एविडेंस है। पॉजिटिव एविडेंस वो होती है जो सच तक पहुंचाए या जिससे ये पता हो कि मुद्दई झूठा है, जो फैसला करने में मददगार हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ पता नहीं, तो ये जो है इससे जज को कोई फायदा नहीं होता। जज को फायदा होता है कि विटनेस कहे कि मुझे पता है कि ये हुआ था, या विटनेस ये कहे कि मुझे पता है कि नहीं हुआ था। ये जो है ऐसी एविडेंस को पॉजिटिव एविडेंस कहते हैं, और ऐसी एविडेंस ही मटेरियल एविडेंस होती है। एडमिसिबिलिटी की किस्में हैं? एक है मल्टीपल। मल्टीपल एडमिसिबिलिटी कौन सी होती है? विटनेस कॉम्पिटेंट भी हो, एविडेंस रिलेवेंट भी हो, मटेरियल भी हो, ये तीन चीजें होंगी। मल्टीपल का मतलब बिलीव, तीन चीजें। ये तीन चीजें जब होंगी तो एविडेंस जो है एडमिसिबिलिटी उसकी मल्टीपल होगी। कंडीशनल फैक्ट जो पेश किया गया वो इनएडमिसिबल है व्हेन प्रेजेंटेड बट मे बी रिलेवेंट इन सम अदर सिचुएशन इफ डेवलप। फोटोकॉपी जो है वो एग्जांपल दिया, फोटोकॉपी जो है वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये बात इस्टेब्लिश कर दी जाए कि ओरिजिनल गायब हो गया, ये बात इस्टेब्लिश की जाए अदालत में बाकायदा कि ओरिजिनल गायब हो गया, ये ओरिजिनल मेरे कंट्रोल में नहीं है, अदर साइड के कंट्रोल में है, तो फिर जो है फोटोकॉपी एडमिसिबल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में से हम कहते हैं कंडीशनल एडमिसिबिलिटी। और क्यूरेटिव एडमिसिबिलिटी एक कानून है कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन वो होता है जिसमें के सवाल का जवाब छुपा हो, जिसमें लीड किया जा रहा हो। मेरा कहना यह है कि जिस वक्त वाकया हुआ तुम अपने घर पर सो रहे थे, ये लीडिंग क्वेश्चन है जो कि जिसकी इजाजत जब विटनेस को प्रोड्यूस किया जाता है और जिस साइड का विटनेस है वो उसे एग्जामिन कर रहा होता है, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, उस वक्त अलाउड नहीं है। अगर कोई लीडिंग क्वेश्चन करे तो अदर साइड की जिम्मेदारी है कि ऑब्जेक्ट करे, इट इज लीडिंग। अगर ऑब्जेक्ट नहीं करते और वो क्वेश्चन जो है उसका जवाब आ जाता है तो वो जो इनएडमिसिबल एविडेंस थी ऑब्जेक्शन ना करने की वजह से एडमिसिबल हो जाएगी। एक लीडिंग क्वेश्चन जो है, एक एविडेंस जो इनएडमिसिबल थी वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुई तो अदर साइड के वकील की जिम्मेदारी है कि वो ये पॉइंट आउट करे कि ये क्वेश्चन जो है ये इनएडमिसिबल है अंडर दिस ग्राउंड। और अगर वो पॉइंट आउट करें कोर्ट उसको डिसअलाउ कर दे, बाद कोर्ट डिसअलाउ नहीं कर।